हाय, सो नाउ लेट्स लुक एट बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट. ठीक है, तीनों के हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन दे रखे हैं, तीनों के हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकालते हैं. चलो पहले बाइनरी सर्च को देखते हैं. बाइनरी सर्च में हमने क्या किया था कि यार ये अगर मेरा पूरा एरे था, मुझे एक एलिमेंट ढूंढना है, लेट्स से 5 अगर इसमें आता है या नहीं आता. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं पहले सेंट्रल एलिमेंट देखता था कि क्या वो 5 है. अगर तो 5 था तो मुझे वहीं पे मैं रिटर्न कर देता था कि यार मेरा 5 मुझे मिल चुका है इस इंडेक्स के ऊपर. ठीक है, अगर 5 मेरा सेंट्रल एलिमेंट से कम होता था तो मैं सिर्फ लेफ्ट एरे में ढूंढता था, और अगर 5 मेरा सेंट्रल एलिमेंट से ज़्यादा होता था तो मैं उसको राइट एरे में ढूंढता था. तो बेसिकली मेरी जो प्रॉब्लम का साइज था वो हाफ हो जाता था, एक स्मॉल प्रॉब्लम बन जाती थी और उसका सलूशन मुझे रिकर्जन से अपने आप मिल जाता था. तो जब हम रिकर्सिव एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, उसके लिए जनरली हम लोग एक मेथड यूज़ कर लेते हैं कुछ इस टाइप का, कि अगर मुझे टी एन के लिए निकालना है, राइट, दैट इज़ कि अगर मुझे एन साइज्ड एरे के लिए टाइम निकालना है, इफ़ दैट इज़ गिवन बाई टी एन, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू के, के मेरा टाइम है टू चेक वेदर दिस नंबर इज इक्वल टू 5. ठीक है, कॉन्स्टेंट टाइम है, मुझे चेक करना है कि 5 सेंट्रल एलिमेंट के बराबर है कि नहीं, तो उसको मैं k बोल रहा हूँ, प्लस बिकॉज वो फाइंड हो चुका है. अब मुझे पता है या तो मुझे लेफ्ट वाले हाफ में जाना है या राइट वाले हाफ में जाना है, तो आई कैन सिंपली राइट टी एन बाई टू. राइट, ये इक्वेशन समझ आ रही है, टी एन इज इक्वल टू के प्लस टी एन बाई टू. टी एन क्या है, पूरे एरे में से मुझे बाइनरी सर्च लगाना. ठीक है, k क्या है, सेंट्रल एलिमेंट के साथ कंपेयर करके चेक करना, और टी एन बाई टू क्या है कि या तो लेफ्ट हाफ या राइट हाफ, उन दोनों में से किसी एक में से पे बाइनरी सर्च लगा देना. ठीक है, फर्दर आई कैन राइट टी एन बाई टू इज इक्वल टू के प्लस टी एन बाई फोर. राइट, करते करते कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, टी टू इज इक्वल टू के प्लस टी वन. राइट, कुछ ऐसा कुछ बन जाने वाला है. चलो, तो अभी हम अगर इस पूरे को ऐड कर देते हैं, तो होगा क्या, टी एन बाई टू, टी एन बाई टू कट जाएगा, टी एन बाई फोर, टी एन बाई फोर कट जाएगा कहीं से, एंड ये पूरे कट कट के इन द एंड इट वुड बी टी एन इज इक्वल टू के इंटू नंबर ऑफ स्टेप्स. राइट, तो इनको मैं नंबर ऑफ स्टेप्स बोल रहा हूँ, तो इट विल बेसिकली बिकम के प्लस के प्लस के एंड सो ऑन, जितने भी मेरे यहाँ पे स्टेप्स हो रहे होंगे. ठीक है, तो k इंटू नंबर ऑफ स्टेप्स ऑर्डर की मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जानी चाहिए. ठीक है, चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं इनकी. अगर मुझे 8 साइज के एरे में से बाइनरी सर्च लगानी है, तो इट विल बी टी एट इज इक्वल टू के प्लस टी फोर, टी फोर इज इक्वल टू के प्लस टी टू. राइट, टी टू इज इक्वल टू के प्लस टी वन. तो वी कैन वेरी इजीली सी ओवर हेयर कि अगर मेरा 8 साइज का एरे था तो मुझे इसमें 3 स्टेप्स लगे. ठीक है, अगर 16 साइज का एरे होता तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, टी 16 लिखा होता ऊपर, के प्लस टी 8, तो मेरा 4 स्टेप्स होते. अगर 32 साइज होता तो 5 स्टेप्स होते, 64 साइज होता तो 6 स्टेप्स होते. तो आई कैन सिंपली से कि n इज इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ स्टेप्स. राइट, ऐसा बोल सकता हूँ ना, बिकॉज जब मेरा 8 थे तो 3 स्टेप्स है, तो 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, 16 है तो 4 स्टेप्स है, 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन. तो वेरी इजीली आई कैन से नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस 2. राइट, काफ़ी ईजी है ना, मतलब इसका बेसिकली लॉग ले लो, इस स्टेटमेंट का लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू लॉग ऑफ 2, दोनों साइड का लॉग ले रहा हूँ, और जब हम लॉग लेते हैं जो पावर के ऊपर लिखा होता है वो आगे आ जाता है, एंड सिंपली फिर मैं ये लॉग 2 को यहाँ से हटा के नीचे ले जाऊँगा, लॉग 2, और लॉग प्रॉपर्टीज से हमको पता है दिस इज लॉग एन टू द बेस 2. राइट, सो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे आ जाएंगे. सो बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ लॉग एन. राइट, 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, बस ओ लॉग एन लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन. तो जो लॉग एन होता है वो एन से कम होता है. ठीक है, सो
अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखता हूँ, सो ओ लॉग एन जो होता है वो ओ एन से कम होता है, फर्दर ओ एन लॉग एन से कम होगा एन, एंड इस तरह से हमारी कहानी चलती रहती है, राइट? तो जो हमारा लीनियर सर्च था वो था ओ एन, और जो बाइनरी सर्च है वो ओ लॉग एन है। तो बेटर कौन सा है? बाइनरी सर्च। बट एक चीज नोटिस करनी है, लीनियर सर्च में वो कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो सॉर्टेड एरे होगा, लेकिन बाइनरी सर्च में एरे हमारा सॉर्टेड होना चाहिए, राइट? तो अगर हमारे पास एक सॉर्टेड एरे गिवन है कि यार ये सॉर्टेड एरे है, तो उसके ऊपर हमेशा बाइनरी सर्च लगाएंगे, बिकॉज दैट इज बेटर। लीनियर सर्च इज टेकिंग ओ एन, बाइनरी सर्च इज टेकिंग ओ लॉग एन। ठीक है, तो आई होप बाइनरी सर्च हमारा क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट देख लेते हैं। मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते थे कि यार हमारे पास एक एरे होता था, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, इन दोनों को रिकर्जन से सॉर्ट कर देते थे, अजम्पशन थी स्मॉल प्रॉब्लम है अपने आप सॉर्ट हो जाएगी, एंड फाइनली उनको मर्ज कर देते थे, यहाँ से आई को लेके और यहाँ को जे लेके, फिर हम दोनों कंपेयर कर करके हम लोग एक एरे में मर्ज कर देते थे। चलो, तो सेम सिचुएशन को अगर मुझे लिखना होगा तो आई कैन सिंपली राइट टी एन, पूरे एरे को सॉर्ट करने के लिए अगर टी एन चाहिए मुझे, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू टू टी एन बाई टू, राइट? बिकॉज ये वाले को भी सॉर्ट करना है और ये वाले को भी सॉर्ट करना है, तो टू टाइम्स टी एन बाई टू, बिकॉज एन बाई टू टर्म्स को हमको सॉर्ट करना है दो बार, राइट? दो एरेज ऐसे, प्लस के टाइम्स एन। अब ये के टाइम्स एन का क्या मतलब है? ये वो टाइम है जो मुझे ये एन एलिमेंट्स को मर्ज करने के लिए लगेंगे, बिकॉज मुझे हर एक एलिमेंट को मर्ज करना है एक एरे में डालने के लिए, सो दैट इज के एन टाइम उसके लिए मुझे लग रहा है, एन एलिमेंट्स को मुझे मर्ज करना है बेसिकली, सो के एन टाइम लग रहा है। ठीक है, फर्दर आई कैन राइट टी एन बाई टू इज इक्वल टू टू टी एन बाई फोर, राइट? वो फर्दर और दो छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, प्लस के एन बाई टू, राइट? के एन बाई टू, जैसे यहाँ पे एन एलिमेंट्स थे तो एन एलिमेंट्स को मर्ज करना था, अब एन बाई टू एलिमेंट्स हैं तो एन बाई टू एलिमेंट्स को मर्ज करना है। ठीक है, एंड फर्दर अगर मैं लिखूंगा आगे, सो दैट वुड बी टी एन बाई फोर इज इक्वल टू टू टी एन बाई एट प्लस के एन बाई फोर। तो अब ये चीज़ देखो कि हमने बाइनरी सर्च के वक्त क्या किया था, मैंने सबको ऐड कर दिया था, क्योंकि जब मैं ऐड करता था तो मेरे पास यहाँ पे फोर होता था, ये फोर होता था, ये टू होता था, ये टू होता था, तो सारी चीज़ें कटती जाएंगी। बट अभी मैं इसको सीधे ऐड करूँगा तो चीज़ें कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं, राइट? अगर मैं इसको ऐड अप कर दूंगा पूरे को तो कैंसिल आउट नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पे टी एन बाई टू के आगे टू लगा हुआ है, दैट इज़ टू टी एन बाई टू है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टी एन बाई टू है, राइट? एल एच एस में टी एन बाई टू है, उधर टू टी एन बाई टू है, तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पूरी इक्वेशन को फिर ऐड करूंगा। ठीक है, अब अगर मैंने टू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली चीज़ भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगी? ये फोर टी एन बाई फोर बन जाएगी। ठीक है, तो इसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कैंसिल करने के लिए, एंड इसको एट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन करते जाएंगे, ताकि मेरी ये सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाने वाली हैं, सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एंड में बचेगा क्या? टी एन तो बचेगा, और आर एच एस में क्या बचेगा? ये के एन आ जाएगा एज इट इज, राइट? और ये के एन बाई टू में हमने टू मल्टीप्लाई किया, तो यहां से भी के एन आएगा। ये के एन बाई फोर में हमने फोर मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे भी के एन आएगा, अगले में भी के एन आएगा, एंड सो ऑन करते करते हमारे पास कितने के एन आ जाएंगे? जितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। सो टी एन इज इक्वल टू के एन इंटू नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? बिल्कुल बाइनरी सर्च वाली सिचुएशन है ना, एन एन बाई टू एन बाई फोर एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ स्टेप्स फिर से लॉग एन होंगे, सो के एन लॉग एन, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, एन लॉग एन मेरे मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। जल्दी से एक बार फिर से देख लो, आई थिंक इक्वेशन तो क्लियर ही थी सबको, टी एन इज इक्वल टू टू टी एन बाई टू प्लस के एन, एंड इस तरह से हमने फर्दर स्मॉल करते करते इक्वेशंस लिख ली थी। द ओनली थिंग इज कि इस बार हमारे डायरेक्टली कटेंगे नहीं, अगर मैंने सब ऐड कर दिया तो मैंने सेकंड इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि
टू टी एन बाई टू एल एच एस पे भी बन जाए और आर एच एस पे तो ऑलरेडी मेरे पास टू टी एन बाई टू था, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो 2tn by 4 था वो क्या बन गया, 4tn by 4। तो LHS में जो थर्ड इक्वेशन है उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अगली को 8 से एंड सो ऑन। तो ये करते करते मेरी ये सारी टर्म्स तो कट जाएंगी, बट ये जो k वाली टर्म्स हैं बच जाएंगी। सो यहाँ से मेरे पास kn आ रही है, सेकंड में क्या आ रही होगी kn by 2 into 2, राइट, बिकॉज 2 यहाँ से हो रहा है। सो अगेन kn बन गया, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी kn बन जाएगा, सारे के सारे kn बन जाएंगे। सो kn into नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हमारे log n, सो के एन लॉग एन हमारे पास आ गया। सो आई वुड से दैट इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। बबल सॉर्ट का क्या था, बबल सॉर्ट का था एन स्क्वायर, सिलेक्शन सॉर्ट एन स्क्वायर, इंसर्शन सॉर्ट एन स्क्वायर, लेकिन मर्ज सॉर्ट का क्या है, एन लॉग एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मर्ज सॉर्ट है वो तीनों से बेटर था, जो पहले वाले तीन थे ना, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, वो तीनों एक जैसे थे, ऑलमोस्ट सेम टाइम लेते थे, ठीक है, उनकी ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सेम थी, बट अब यहाँ पे आके हमारे पास ओ एन लॉग एन मिल गई। सो मर्ज सॉर्ट इज मच बेटर। एक काम करना, जैसे मैंने तुमको फिबोनाकी के लिए टाइम निकाल के दिखाया था ना, ये काम खुद से करना, बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट को कंपेयर करके देखना, पहले स्मॉलर इनपुट के लिए कर लेना, फिर थोड़े बड़े एरे के लिए कर लेना, ठीक है, करके देखना, यू विल गेट टू नो कि मर्ज सॉर्ट इज मच मच बेटर देन बबल सॉर्ट, ओके। चलो तो एक लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज क्विक सॉर्ट। सो क्विक सॉर्ट एक क्लास डिस्कस कर लेते हैं। क्विक सॉर्ट में हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे मेरे पास एक एरे था, राइट, लेट्स से एरे था 5 2 7 3 1 8 4। तो इस केस में क्या करते थे कि पहले एलिमेंट को लेते थे, राइट, निकालते थे कितने एलिमेंट छोटे हैं, तो मुझे दिख रहे थे यार कि 1 छोटा है, 2 छोटा है, 3 छोटा है, 4 छोटा है, तो मैं इसको जो हमारे फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू थी उसके साथ रिप्लेस कर देता था, ठीक है। सो कुछ ऐसा बन जाता था 1 और 5 यहाँ पे, और बाकी एज इट इज 2 7 3 8 4, राइट, ऐसा कुछ हो जाता था। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था कि मुझे जो चार एलिमेंट जो छोटे हैं 5 से वो लेफ्ट में पहुँचा देने हैं, और ये राइट में बड़े एलिमेंट्स जो 7 और 8 है वो राइट में आ जाने चाहिए, 1 2 3 4 लेफ्ट में आ जाने चाहिए। तो उसके लिए आई यहाँ से स्टार्ट किया, जे यहाँ से स्टार्ट किया, कंपेयर करते करते जब हमारी आई और जे की वैल्यू मिल जाती है तो 5 से जो बड़े एलिमेंट्स है वो उसके राइट में पहुंच जाते हैं और 5 के जो छोटे एलिमेंट्स है वो लेफ्ट में पहुंच जाते थे, ठीक है। बट हमको कंसीडर क्या करना होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, हमको वर्स्ट केस कंसीडर करना होता है, हमको वर्स्ट केस कंसीडर करना होता है, ठीक है। ये जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये इसका वर्स्ट केस नहीं है, बिकॉज इसमें क्या है ना कि ठीक है इसके ऊपर कॉल कर देंगे और इसके ऊपर कॉल कर देंगे, अगर ये दोनों बराबर हुए, लेट से दोनों का साइज बराबर है, तो मर्ज सॉर्ट वाले केस हो गया ऑलमोस्ट, तो एन लॉग एन बन जाएगी, बट एन लॉग एन नहीं होगे, बिकॉज ये वर्स्ट केस इसका है ही नहीं। इसका वर्स्ट केस क्या होता है, अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, लेट से ये एरे है और ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब क्या होगा, मैं 1 को उठाऊंगा, मैं बोलूंगा यार 1 से कितने एलिमेंट छोटे हैं, पूरे एरे में ढूंढूंगा मैं जाकर और मुझे पता चलेगा अच्छा 1 से तो कोई कम है नहीं है, तो 1 को तो मुझे यहीं पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मुझे कॉल किस पे करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं इसको लूंगा और इसमें से देखूंगा कितने एलिमेंट 2 से छोटे हैं, या एक भी एलिमेंट 2 से छोटा नहीं है, 2 को तो यहीं पे रहना पड़ेगा, मैं फिर आगे वाले पे काम करूंगा। तो लगभग ये सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट जैसा नहीं हो गया यार, एक साइकिल में सिर्फ एक एलिमेंट अपनी सही जगह जब पहुंच जाता है तुम एन माइनस वन एरे पे कॉल कर देते हो, तो ये लगभग बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट जैसा ही हो गया। तो इस केस में हमारा आंसर ओ एन स्क्वायर होता है। सो क्विक सॉर्ट जो होता है उसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन स्क्वायर होती है। एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ ओ एन स्क्वायर। बट जनरली क्विक सॉर्ट काफ़ी अच्छा काम करता है, बट ये सिर्फ वर्स्ट केस है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि हर बार तुमको सॉर्टेड एरे मिल जाएगा, या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है रिवर्स सॉर्टेड एरे, उस केस में भी ओ एन स्क्वायर हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमेशा सॉर्टेड मिलेगा पूरा पूरा या रिवर्स सॉर्टेड मिलेगा। जनरली हम ये एक्सपेक्ट करें ना कोई एरे मिलेगा एक रैंडम से, उसमें एलिमेंट्स पड़े होंगे और उनको सॉर्ट करना होगा, तो उसमें जनरली क्विक सॉर्ट अच्छा परफॉर्म करता है। बट अगर वर्स्ट केस की बात करोगे तो हमको ओ एन स्क्वायर उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो थ्योरेटिकली ओ एन स्क्वायर होती है हमारे क्विक सॉर्ट की। तो एक बार जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं, बाइनरी सर्च क्या था, ओ ऑफ लॉग एन, मर्ज सॉर्ट है हमारा ओ ऑफ एन लॉग एन, क्विक सॉर्ट हमारा है ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है।
सो आई होप ये तीनों समझ में आ चुके हैं. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. थैंक यू.